टेस्ट होगी, पहले ये जो जगह है उसका मुआयना करेंगे, उसके बाद जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अहम मीटिंग होगी जिसमें कुछ डिसीजंस भी लिए जा सकते हैं, रिपोर्ट्स भी लेंगे। अलग अलग एजेंसीज को अलग अलग कॉर्नर्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है, अब तक क्या प्रोग्रेस है, आगे का क्या प्लान है, उन पर चर्चा आज होगी। जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि पीएम की नज़र पल पल के ऑपरेशन पर है, लगातार सीएम पुष्कर धामी ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पहुंचना बताता है कि कितना सीरियस, कितना गंभीर ये मामला है जिसको पीएम गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं। और यहाँ पर तमाम अफसरों की फिलहाल जो अभी देख रहे हैं आप सब, वो बाहर आ चुके हैं, मैप के जरिए उनको समझाया जा रहा है, वो मैप जो बनाए गए हैं, जो प्लान्स किए जा रहे हैं उनके मैप्स बाहर लगाए गए हैं टनल के, जिनको देखकर समझाया जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्लान में है। उम्मीद की जा रही है कि तमाम लोग टनल में भी जाएंगे, वहाँ की स्थिति भी देखेंगे। टेलीकम्युनिकेशन जो है मजदूरों के साथ वो सेट हो गया है, तो ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि उनसे बातचीत भी वो करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके की उनकी मनोस्थिति है, किस तरीके की स्थिति उनकी बनी हुई है, सकुशल है या कोई डिमांड है, उनसे भी बात करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अहम तस्वीर इस वक्त की ये है कि लगातार जिस तरीके से पीएम यहाँ की हर घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा यहाँ पर पहुंच गए हैं, होम सेक्रेटरी एके भल्ला के साथ उत्तराखंड के भी सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी तस्वीरें आज के दिन की, क्योंकि लगातार 16वां दिन आज है और यहां पर पीएम की निगरानी में पहले भी पीएमओ से ऑफिसर्स यहां पर रहे हैं, पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे भी लगातार हर दिन यहां पर आते हैं, और ऐसे में आज ये खास तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो पावर होल्ड करते हैं रिपोर्ट्स लेने के लिए, अभी तक की क्या प्रोग्रेस है उसको समझने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। प्रशांत, दाखिल हुए हैं अब प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव टनल के भीतर दाखिल हुए हैं, ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। प्रमुख सचिव पीके मिश्र जो कि अभी यहां पर तमाम उन जिम्मेदार अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, उन्हें ब्रीफ किया गया है कि किस तरीके से टनल में आगे का रास्ता बनाया जा रहा है मजदूरों के रेस्क्यू के लिए, और टनल के भीतर दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्र टनल में खुद दाखिल हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने यहां के तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अब तक इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में संभाली हुई है, उनसे उन्होंने पूरी जानकारी ली है। एक मैप तैयार किया गया है जिस पर उन्हें बताया गया समझा करके उस मैप के जरिए कि किस तरीके से यहां आगे का रास्ता बनाया जा रहा है और इन 40 मजदूरों तक पहुंचा जाएगा। और ये हमारे ठीक सामने हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव जो कि टनल के भीतर अब दाखिल हुए हैं उन तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, क्योंकि NHIDCL के MD से उन्होंने बातचीत की है, उत्तराखंड के प्रमुख सचिव यहां पर मौजूद हैं, उत्तराखंड के आपदा सचिव विभाग के यहां पर मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी उन्होंने ली है, गृह सचिव यहां पर, और तमाम ये जानकारी लेने के बाद अब वो खुद टनल के भीतर दाखिल हुए हैं। और खास बात ये भी है कि अब भारतीय सेना की एक खास रेजिमेंट ने भी यहां कमान संभाली हुई है, जो ग्राउंड वर्कर्स के सहारे यानी कि रेड माइनर्स के सहारे अब इस टनल के भीतर आगे का रास्ता बनाएंगे। और प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव अब ये टनल के भीतर दाखिल होते हुए, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रमुख सचिव अब टनल में खुद दाखिल हुए हैं। प्रधानमंत्री इस आपदा के वक्त पहले दिन से लगातार अपडेट ले रहे हैं, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की है, उन्होंने ये जानकारी भी ली है कि क्या पर्याप्त सुविधाएं वहां पर मौजूद है, मजदूर भाइयों को सुरक्षित निकालने के लिए किसी और संसाधन की तो जरूरत नहीं है। और पहले ही दिन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी उपकरण या विशेषज्ञ हैं उनकी मौजूदगी यहां पर है, और इसी कड़ी में अमेरिकन ऑगर मशीन भी यहां पहुंची थी लेकिन उसकी ड्रिलिंग के ब्लेस टूटे थे, और अब काटकर जब उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, एक बार फिर से उम्मीद भरी निगाहें अब उन रेड माइनर्स यानी कि उन मजदूरों की ओर जो अब हाथ से इसकी खुदाई करेंगे। और कुछ देर पहले जब हमने उनसे बातचीत की थी तो बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा था कि हमें अगर ये मौका मिल रहा है तो हम ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक अगर कोई बड़ी आफत या बड़ा हर्डल रास्ते में नहीं मिला तो अपने उन मजदूर साइयों तक पहुंच सकते हैं। कुछ देर पहले ही जनरल वीके सिंह यहां पर पहुंचे थे, कैंप ऑफिस उन्होंने बना के रखा हुआ है, जनरल वीके सिंह कुछ देर पहुंचे थे और उन्होंने जायजा लिया है यहां पर, क्या वो कह रहे हैं वो भी सुनिए।